हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि जो प्रिंटर की जो एरर आ रही है उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं, यहाँ पर मैं शेयरिंग किया हुआ प्रिंटर उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको हम देख सकते हैं कि मैंने कनेक्ट किया है राइट क्लिक करके। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो कोई एरर नहीं, मतलब कि कनेक्ट हो गया है। उसको मैं सेट डिफ़ॉल्ट करूँगा। ओके, प्रिंट डिवाइस प्रिंटर। ओके, जहाँ पर है कैन एल बी भी। ओके, ये देख सकते हैं अभी ये दिख रहा है, उस पर राइट क्लिक करके मैं कनेक्ट सेट डिफॉल्ट करूँगा। देखो ये एरर आई, इसको एरर को हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है देख सकते हैं आप। तो हमें एक रजिस्ट्री एडिट में कोई चेंजेस करने पड़ेंगे, तो रन मेनू खोल के उस पर रजिस्ट्री एडिट टाइप कीजिए, उसके बाद उसको ओके कर दीजिए। रजिस्ट्री एडिट, ओके ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फिर से ओके कर दीजिए। यहाँ पर मैंने नोट पर में देख लिया, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा फॉन्ट की साइज़ बढ़ा देता हूँ। आर एस जी एडिट, रन में जाइए, उसमें आर एस जी एडिट टाइप कीजिए, ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो एक ऑप्शन ओपन होगा, उसमें यस करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर यस यह देख सकते हैं कि रजिस्ट्री एडिट ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ से हमें माइक्रो करंट यूज़र, उसमें सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद उसमें होगा विंडो एन टी करके, वो एक फोल्डर होगा, इसको ओपन कर दीजिए विंडोज एन टी। करंट विंडोज में करंट यूजर, उसमें विंडोज, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया सिलेक्शन, तो फिर से जो पैनल एक्सपांड हुई उसको मैं निकाल दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं करंट व्यूज, करंट वर्जन्स सभी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और फिर से हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाकर कौन सा सिलेक्शन करना है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट, उसमें विंडो एन टी करके फोल्डर होगा, डब्ल्यू प्रेस कीजिए तो डायरेक्टली वो आ जाएगा, हाँ डब्ल्यू एन टी, विंडोज एन टी देख सकते हैं आप, विंडोज एन टी। उसके बाद विंडोज एन टी करके उसको एक्सपांड कर दीजिए, उसके बाद करंट वर्जन, उसमें एक होगा विंडोज करके फोल्डर देख सकते हैं आप विंडोज, उस पर राइट क्लिक कीजिए, उसको परमिशन देना है हमें, राइट क्लिक परमिशन, और इसको फुल परमिशन दे दीजिए आप, सभी को टिक मार्क अलाउ करके अप्लाई एंड ओके। ओके, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। कौन सा है तो रजिस्ट्री ओपन कीजिए, उसके बाद एस की, करंट यूज़र, करंट यूज़र है, उसके बाद सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद विंडोज एन टी, उसके बाद करंट वर्जन, उसके बाद विंडोज फोल्डर, उस पर राइट क्लिक करना है विंडोज फोल्डर में, और फुल परमिशन दे देनी है हमें, एंड देन ओके। ओके, तो हम देख सकते हैं, अब ट्राई करते हैं उसको फिर से कनेक्ट करने का, सेट डिफॉल्ट करने का, सेट डिफॉल्ट हुआ या नहीं हुआ है तो देखते एक बार
उसकी सेट डिफॉल्ट करते हैं, नहीं होगा उसमें सेट डिफॉल्ट करेंगे तो फिर से हमें वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो रन में जाके डबल स्लैश करके आईपी एड्रेस डालिए। ओके ओके, जो भी आपका प्रिंट सर्वर हो उसको राइट क्लिक कीजिए, उसके एक बार कनेक्ट करा दीजिए। ओके अब सेट डिफॉल्ट कीजिए तो ये सेट डिफॉल्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके इसको सेट डिफॉल्ट कीजिए तो आप देख सकते हैं कि सेट डिफॉल्ट हो गया है। तो इजीली आपको इसका रिजॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।